हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ कोमल और आप देख रहे हैं मेरा चैनल कोमल की रेसिपी। तो आज हम बनाएंगे गोलगप्पे, और वो भी 101% गारंटी के साथ कि आपके जो गोलगप्पे हैं वो बिल्कुल भी पूरी जैसे नहीं बनेंगे, एकदम करारे करारे सेम साइज के बिल्कुल बढ़िया गोलगप्पे बनेंगे। ये देखिए, आप मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए कितने क्रंची बने हैं ये गोलगप्पे, तो बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट के साथ, और बिल्कुल हर चीज स्टेप बाय स्टेप मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। तो वीडियो बिल्कुल भी बीच में स्किप मत कीजिएगा, पूरी वीडियो शुरू से लेके आखिर तक पूरी वीडियो देखिए, ताकि आपके भी गोलगप्पे इतने ही करारे और क्रिस्पी बन सके। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पे हम ले लेंगे ये 1 कप भर के आटा, गेहूं का आटा है ये। ढाई चम्मच मैं यहाँ पे ले रही हूँ सूजी, रवा, सेमोलिना, जो भी आप लोग इसको बोलते हैं वो। सूजी कैसी भी हो, मोटी पतली कैसी भी, कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज से। हाफ स्पून मैं इसमें डाल रही हूँ बेकिंग पाउडर। अगर आपके पास बेकिंग पाउडर नहीं है तो आप बेकिंग सोडा डाल सकते हैं, हाफ से भी हाफ स्पून। ये है बेकिंग पाउडर, ही आपको किसी भी ग्रोसरी शॉप पे मिल जाएगा, ये 21 रुपए का है। तो अगर बेकिंग पाउडर नहीं है तो आप बेकिंग सोडा डालिए, हाफ से भी हाफ स्पून। अब हम इन्हें मिक्स कर लेंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है ये 1 कप पानी। ये पूरा पानी नहीं डालना, हमें थोड़ा थोड़ा पानी करके डालना है, और ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर का पानी, ना ही तो ठंडा और ना ही गर्म। इसको डालकर हमें एक बहुत ही टाइट डो लगा लेना है, बिल्कुल सख्त, जितना सख्त आप लगा सकते हैं उतना सख्त डो हमें लगा के तैयार कर लेना है। ये देखिए इस तरीके का हमें एकदम टाइट डो लगा के तैयार करना है, बिल्कुल टाइट। ये देखिए मैंने यहाँ पे 1 कप पानी लिया था, हाफ कप पानी भी इसके अंदर नहीं लगा है। तो अब हम इसको एक गीले कपड़े से कवर कर देंगे, ताकि जो हमारी सूजी है वो अच्छे से फूल जाए। और सूजी डालने से क्या होगा कि जो हमारे गोलगप्पे हैं ना वो बड़े ही करारे करारे बनेंगे। तो अभी हमें इसे आधे घंटे तक बिल्कुल नहीं छेड़ना है, बिल्कुल रेस्ट कराना है। आधा घंटा हो गया है, अब हम अपने डो को देखेंगे। ये देखिए हमारी सूजी जो है वो अच्छे से फूल गई है। अब हम काउंटर टॉप के ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगाकर इसे अच्छे से नीट कर लेंगे, ताकि बिल्कुल एकदम चिकना डो बनके तैयार हो जाए। अब हम एक रोटी जितना पेड़ा ले लेंगे, जितना हम रोटी बनाते हैं उतना, इसे अच्छे से चिकना कर लेंगे हाथों में रोल करके। इस तरीके का हम एक डो बना लेंगे। अपने बेलन पे भी हम ऑयल लगा लेंगे, अच्छे से उसे भी चिकना कर लेंगे, और इसे अब हम अपने काउंटर टॉप पर बेल लेंगे, और सारी जगह से बिल्कुल इक्वल होनी चाहिए। अब देखिए मैंने इस तरीके का ये एक ढक्कन ले लिया है, ये मतलब बिल्कुल सही साइज है, ना तो बहुत ही ज्यादा छोटे और ना ही बहुत बड़े, इतने गोलगप्पे हों कि एक गोलगप्पा मुंह में आ जाए। तो अब हम इसे अच्छे से प्रेस करके अपने गोलगप्पों की कटिंग कर लेंगे, इस साइज के गोलगप्पे हम बना लेंगे। इससे क्या होगा कि हमारे सारे गोलगप्पों का साइज जो है वो इक्वल रहेगा, और वो मोटे पतले भी इक्वल ही रहेंगे। अगर हम एक एक गोलगप्पे को अलग से बेलेंगे तो एक तो उनका साइज छोटा बड़ा हो जाएगा, और कोई गोलगप्पे का जो है मोटा हो जाएगा, क्रिस्पी नहीं होगा, कोई ज्यादा पपड़ी जैसा हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसमें से अपने सारे गोलगप्पे निकाल लेंगे। ये देखिए यहाँ पे हमने अपने सारे गोलगप्पे बना के रेडी कर लिए हैं, और एक कपड़े पर हमने इसे ढककर रखा है। अब हम एक एक गोलगप्पे को फ्राई करेंगे। ऑयल जो है हमारा अच्छे से गर्म हो गया है, बिल्कुल हाई फ्लेम पे हमें इन्हें नहीं तलना है, मीडियम टू हाई फ्लेम के बीच में हमें इन्हें तलना है, और हमें एक एक गोलगप्पे को फ्राई करना है। हम कोई एक्सपर्ट तो है नहीं कि एक साथ ही सारे गोलगप्पे फ्राई कर लेंगे, तो हमें इस तरीके से एक एक गोलगप्पे को फ्राई करना है। और आप देख सकते हैं कितने अच्छे से फूला है ये गोलगप्पा। मीडियम टू हाई फ्लेम पे इन्हें थोड़ी देर के लिए सेकना है, ताकि ये करारे करारे बने।
नहीं तो ये पूरी की तरह बन जाएंगे, एकदम जैसे आलू के साथ पूरी खाते हैं ना वैसे बन जाएंगे। तो ये देखिए अब हम इसे निकाल लेंगे। ऐसे ही अब हम अपना दूसरे गोलगप्पे को लेंगे और बहुत ही अच्छे गोलगप्पे बनकर आएंगे। ये देखिए कितने अच्छे से गोलगप्पा फूला है। ऐसे ही अब हम अपने सारे गोलगप्पों को एक एक करके तल लेंगे। मैंने आपको दो तीन गोलगप्पे तल के दिखा दिए हैं कि हमें किस तरीके से तलने। अगर आप दो गोलगप्पे तल एक साथ तल रहे हो तो पहले आप एक डाल दीजिए, जब वो फूल जाए, ये देखिए ये फूल गया, अब आप दूसरा गोलगप्पा डाल सकते हो। इसे फुला के फिर आप इसे टर्न कर दीजिए। तो इस तरीके से आप दो गोलगप्पे भी तल सकते हो, पर दो गोलगप्पे तलोगे तो आपको बहुत ध्यान रखना है गोलगप्पे तलते टाइम। तो ऐसे आप अपने सारे गोलगप्पे तल के निकाल लीजिए। देखिए हमारे सारे गोलगप्पे बनकर एकदम रेडी हो गए हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि कितने करारे बने हैं। ये देखिए कितने अच्छे से हो रहे हैं। ये देखिए बहुत ही करारे हमारे जो गोलगप्पे हैं वो बनकर रेडी हुए हैं, बिल्कुल क्रश हो जा रहे हैं हाथ में डालते ही। अगर आप मेरी रेसिपी को बिल्कुल स्टेप वाइज फॉलो करेंगे तो आपके भी सारे गोलगप्पे इसी तरीके से बनेंगे, बहुत ही करारे करारे ये गोलगप्पे बनके तैयार होंगे। तो आप मेरी रेसिपी को बिल्कुल स्टेप वाइज फॉलो कीजिए, आपके भी गोलगप्पे इतने ही टेस्टी और इतने ही करारे बनेंगे। और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच सके।